अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे उस मेडिसिन का नाम है फ्लोइड टैबलेट। फ्लोइड टैबलेट एबर्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जिसमें जो मेन साल्ट या मेन इंग्रेडिएंट यूज़ होता है उसका नाम है मोंटिलोकास्ट सोडियम। मोंटिलोकास्ट सोडियम एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। ये एक लिकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के एलर्जी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। इस मेडिसिन को एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ साथ इस मेडिसिन को अस्थमा के अटैक में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। अस्थमा यानी दमा की वजह से अगर आपको एलर्जी हो जाए, सांस में तंगी हो जाए, सांस लेने में दुश्वारी हो जाए, तो मोंटिलोकास्ट सोडियम का इस्तेमाल करवाया जाता है। मोंटिलोकास्ट सोडियम बेसिकली हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, हिस्टामिन को रिलीज़ होने से, रैप्चर होने से ब्लॉक करती है, जिससे हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। मोंटिलोकास्ट सोडियम को एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसी मौसमी एलर्जी होती है जिसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा छींके आती हैं, नाक से बार बार पानी बहता है, गले में खराश रहती है। इसके अलावा इस मोंटिलोकास्ट सोडियम को डस्ट एलर्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डस्ट एलर्जी यानी गर्दों को बाहर की एलर्जी होती है, उसमें भी मेडिसिन मोंटिलोकास्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन को दमा के अटैक यानी अस्थमा के अटैक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। इस मेडिसिन के अगर डोजेज की बात की जाए तो रात को एक टैबलेट रात को सोने से एक घंटा पहले इस्तेमाल करनी चाहिए, और दिन में सिर्फ रात को ही इस्तेमाल करनी चाहिए एक टैबलेट। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल करनी चाहिए।